सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो अभी मेरे पास आने वाला है सागर, क्योंकि सागर का बाइक मेरे पास में है और सागर आ रहा बाइक लेने के लिए। उसको बाइक देने हैं अभी और रोहित भाई बुला रहे सीधा चवन्नी, और सोल्टा भी कंपनी से निकल गया है। मैं भी जॉब से आ गया था अभी घर, तो फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ और थोड़ा सा अभी ठंड भी लग रहा है। सो अभी हम लोग चलते हैं सीधा चवन्नी चाय पीने के लिए, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन भी होना है। सो डिस्कशन पता नहीं, देखते हैं क्या डिस्कशन है। तो पहले चलते हैं सोल्टा। हाँ, और सोल्टा ने एक मस्त सा पर्दा का चश्मा मंगाया है। पर्दा? हाँ सर, पर्दा ही है, पता नहीं क्या नाम है, पर्दा बोल रहा था। तो पर्दा का चश्मा मंगाया है और उसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे, हम लोग देखेंगे कैसा मंगाया है। काफी एक्सपेंसिव है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेके आ रहा है। और चश्मा बोले तो सनग्लास, वही हाँ जो समझ गया आप लोग, सनग्लास समझ जाया करो यार। तो सनग्लास मंगाया, उसको भी देखेंगे, और तब तक आ रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? सागर का। तो देखते हैं सागर कितनी देर में आता, फिर सागर जैसे पाए देंगे हम भी फटाफट निकलेंगे यहाँ से सीधे 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 चवन्नी। तो चलो आप लोग सीधे चवन्नी लेके चलते हैं। तो हम लोग आ गए अभी चाय पीने के लिए चाय अड्डा पे, मैं और भैया और मिस्टर सोल्टा, और पीछे ग्रीन ग्रीन सीटिंग इधर पर जबरदस्त बना रखा है, चेंज कर दिया लग रहा है इधर। चाय अड्डा सिटी मॉल के, सिटी मॉल के ऊपर ऊपर देखो पर चांद तारे लटक रहे हैं, और पीछे देखो हमारा चाय अड्डा जो सामने आपको दिख रहा है, ये चाय अड्डा है। खैर चाय अड्डा में इतनी भीड़ नहीं जितनी चवन्नी में भीड़ है ना। चवन्नी में तो सीटिंग ही नहीं है, चवन्नी में बैठने की जगह नहीं है, और यहाँ पे देखो बिल्कुल खाली पड़ा, कोई नहीं है, और वहाँ पे इतना भीड़ था। बरांडे पूरा बरांडे 50 का कर लिया, मैगी 50 का ही तो था। अरे लोग यहाँ पे 50 का मैगी खाते हैं, बोलते महंगा है, पहाड़ों में जाके खाते हैं वहाँ पे बोलते 50 का, बोलते महंगा है, बोलते हैं क्यों नहीं बोलते, 50 की महंगी दे रहे, महंगी दे रहे। चलो ठीक है, कोई नहीं, पीछे स्मार्ट भी लग रहा हूँ मैं तो यार। सोल्टा वाज ऑलवेज स्मार्ट। तो हमारा आ रहा चाय और मैगी, पीते हैं चाय, भैया खाएंगे मैगी, मैगी का ऑर्डर दिया, तो पहले पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। क्यों क्या काम नहीं हो रहा, मतलब जो करना कर ले ले ना, मैं नहीं करूंगा ही नहीं। एक बार टेस्ट देके तू भी फीडबैक देना, ले ना, मैं नहीं करूंगा ही नहीं। मैं कैसे थोड़ा सा फीडबैक कैसे देगा भाई, बोलेगा कैसे? नहीं आपको कैसा लगा आप बताओ ना। मेरे को इतना खतरनाक लग रहा है, मैं दबा के खा रहा हूँ भाई, ऐसा दिया बस इसलिए खा रहा हूँ। और जो इंसान मैगी नहीं बना सकता ना जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकता मैगी जैसे आसान चीज, इसी का वेट कर रहा था। और क्या ही बताऊं यार, आक्रम भैया ऐसा मैगी तो मैं, अगर मन भी नहीं लगेगा ना मेरा तो भी इससे टेस्टी बना दूंगा, मेरा मन भी नहीं करेगा ना बनाने को तो भी इससे टेस्टी में बना देगा। चाय अड्डा का मालिक अगर देख रहा है तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना 9310-8035 में, पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अभी वहां से 12 सेक्टर से, चाय भी पिया वहां पे, मैगी भी खाया, और मैगी सोल्टा को भी बहुत बकवास लगा, भैया को भी बहुत बकवास लगा, मैंने तो सिर्फ चाय पिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, तो मैंने भी सिर्फ चाय पिया। अंडा सुने वो ब्रेड पाउडर कौन था चाचा खाया गा। ब्रेड पाउडर तेरा अंकल खाया सुनेगा अभी। देख सोल्टा देख बन गया है रईस का, पर्दा का चश्मा लेके आया, पर्दा नहीं प्राडा का चश्मा आएगा जी, प्राडा ने पर्दा। हाँ भाई मिस्टर लावा ब्लॉगर पराठा का पराठा को पर्दा पड़ रहा है, पर्दा का चश्मा लाया है पराठा का, दिखाता हूँ कितने ये वाला सही था यार, ये कितने वाला सही था यार, कितने का है ये? बोल ओपन कर, ये रहा पर्दा पराठा पराठा, इसके अंदर क्या है ये, खोल खोल, अरे साला पैकिंग तो जबरदस्त है भाई। यहाँ से मार खा जाता है, पन्नी तरह नकली दे दिया। हाँ अब सही है, पैक भी तो तूने ऐसे क्या हुआ इसमें, कैसा अजीब सा वो कंपनी से पैक हुआ, कैसे आया भूल गया इसका पैकिंग का वो यार। इधर मत दिखाना यार, इधर मत दिखाना, कैमरा इधर ही रख, फिर अभी मत दिखा, जल्दी दिखा फटाफट कर, अरे साला जंकू ये देखा, साइड हो साइड लुक दे, वी आर द ड्रीमर्स, अरे साला प्राडा लिखा हुआ है पूरा, गजब चश्मा भाई, काफी महंगा चश्मा लग रहा सोल्टा का,
सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना चश्मा कितना का होगा, हम लोग प्राइस रिवील नहीं करेंगे, और आप लोग कमेंट करके बताना चश्मा कितने का है, पर्दा का, प्राडा का, प्राडा का चश्मा कितने का है, ठीक है। और इसका ये भी तो देखो यार, क्लींजर, क्लींजर भी प्राडा का आएगा जी। आप लोग बताइए ये चश्मा कितने का होगा, कमेंट करके बताइए कितने का होगा, ठीक है। सो आज ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, फिर आप लोग से कल कनेक्ट करते हैं, सॉरी कल कनेक्ट होते हैं, और आज के लिए गुड नाइट, अभी हमारा सोने का टाइम हो गया, सो अभी गुड नाइट बोलते हैं, फिर कल आपसे मिलते हैं, ओके। 7 hours later. सो फ्रेंड्स मैं अभी घर पहुंच चुका हूं और ऑफिस से, और सोहन भी निकल चुका है, 5:30 बज गए हैं, क्योंकि सोहन अब जाएगा सीधा बस ऑटो स्टैंड पे, वो मेरा वेट कर रहा है, और मैं जाऊंगा सीधा उसको लेके, और हम लोग सीधा मीटअप पॉइंट 12 सेक्टर पे मिलते हैं, क्योंकि भैया भी आने वाले, फिर वहाँ से शायद बाहर हम लोग खाने का प्लान है, सो देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे कल हमने पिया था चाय अड्डा पे, बकवास चाय, शायद आज कहीं की और की चाय टेस्ट करते हैं, सो सीधा चलते हैं और सोहन को लेते हुए फिर मिलते हैं आपसे। ये मेरी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट करके रखना पड़ता है बाइक चांस पहले, सो चलो चलते हैं। फिर टेक चाय वाली पे, चाय पीने के लिए तो चाय का दुकान ही बंद है, इसलिए हम लोगों ने भी खा लिया एग रोल। तो कैसा लगा भी आपको एग रोल यहाँ का? अच्छा है ना सोल्टा, तेव कैसा लगा एग रोल यहाँ का? मैकिंग भी अच्छा था, और हम लोग अभी चाय पीने आए थे, चाय भी टेक चाय वाली का दुकान ही बंद है पता नहीं, तो कोई नहीं, कुछ अच्छा खाने आए तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, तो बाकी चलते हैं आगे। आगे क्या, घर की तरफ चलते हैं, बेटे है नहीं, ये ग्रीन फील्ड आए थे, ग्रीन फील्ड, हाँ ये ग्रीन फील्ड, और वहाँ पे सामने में बिल्कुल जो मोमोज वाला दिख रहा है आपको, वहीं सामने में उसका बीटेक चाय वाले के भाई है, गेट नंबर 4 ग्रीन फील्ड कॉलोनी। तो एग रोल भी यहाँ का अच्छा था, इंस्टेंट रोटी वाला अंडा बना के दिया, बढ़िया था। सो हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा घर की ओर, बिरयानी खाने चलो किसके पास, वेट करोगे यहाँ, एक और बिरयानी हाउस खुला हुआ साला को जाके मारूंगा। चलो ये क्या, हम बच्चा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं यहाँ पे कैसा है, अभी रॉयल्टी लेंगे उससे, पता चले उल्टा हमसे ही ले ले। The next day. Good morning guys, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिरयानी हाउस में बहुत दिनों के बाद, और इधर ग्रीन ग्रीन सोल्टा बिरयानी लगवा रहा है, लगवा रहा गुरु। अभी हम लोग नया और जस्ट चाय वाय पी के आए हम लोग यहाँ दुकान में सीधा, और सोल्टा लोग दुकान पे ढूंढे, लग रहा है एक नया ब्रांच और आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है, इसका नाम है अमृतसर बिरयानी। और बिरयानी रेडी होगी भैया? मीठो मीठो बिरयानी का मतलब बिरयानी तो हो गया एक, तो हमारा यहाँ का, अरे हमारा उस्ताद मीठो का मतलब होता है। सो आज बिग बाजार जाएगा कि नहीं जाएगा? बिग बाजार जाना है, बिग बाजार, तो आप लोगों को इंडिया का सबसे बड़ा बिग बाजार हम लोग दिखाएंगे, कपड़े अपने नहीं, सबसे बड़ा मॉल इंडिया का, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल दिखाने वाले आज, है बहुत बड़ा मॉल है वो, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का बड़ा मॉल बोल के मेरा फेस में दिखा रहा, अपन नहीं है वो मॉल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, हम लोग आ गए बिग बाजार, ये देखो पीछे दिखाता हूँ आपको अभी, सोहन हाँ ये वही बंदे हैं जो 150 रुपये खरीदेगा 1,500 का बताएगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक भी नहीं खरीदा भाई, 1,500 का खरीदेंगा, वहाँ का वीडियो क्यों नहीं बनाता फिर? तू खरीदेगा तब तो बनाऊंगा, ठीक है लगवाओ ना इसे, डेढ़ अच्छा लग रहा है अभी, बढ़िया लागत था, बढ़िया एकदम देखा। अरे सो बिग बाजार से शॉपिंग करने के बाद हम लोग अब आ गए यहाँ पे चाय पी, मेरा घंटा शॉपिंग कुछ भी नहीं, सबसे मेन खरीदा सोल्टा ने, दिखा दे जा क्या खरीदा, पता चल जाएगा भाई, तो कितना भी बोल रहे खरीदा तो तूने है, तो मेरा ऑडियंस जानता है महंगा महंगा, भैया ने पहन भी लिया,
रेंजर जैकेट मैंने तो दो खरीद के रख लिया गाड़ी में भाई। भाई साहब ये भी खरीदता डेढ़ सौ रुपए में दो से एक डेढ़ सौ का दो डेढ़ सौ का दो तीन सौ का दो जबरदस्त जबरदस्त मिला है। चाय दे कपड़ा ज्यादा महंगा चाय साला यहाँ कोई नहीं पहले चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं घर, मतलब मैं आ गया घर, भैया भी अपने घर और सोहन भी अपने घर। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक मारिए, अच्छी लगी तो लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।